ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सुनो। जी हुजूर। हम यहाँ से यतीम खाने जा रहे हैं ज़कात करने। हम चाहते हैं कि तुम सब यहीं रुककर हमारा इंतजार करो। मगर अदगा साहब। हम जानते हैं कि अदगा साहब खफा हो जाएंगे, लेकिन अगर तुमने हमारा हुक्म नहीं माना तो हम नाराज हो जाएंगे। मगर हुजूर, ये रास्ता बियाबान है, खतरनाक है, हम आपको अकेले जाने नहीं दे सकते। चलो हम तुम्हारी बात भी रख लेते हैं, हम अपने साथ सिर्फ 4 सिपाहियों को लेकर जाएंगे, बाकी सब यहीं रुककर हमारे लौटने का इंतजार करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इतने सारे सिपाहियों को देखकर बच्चे डर जाएं। जी हुजूर। आइए चौथा बेगम। अदगा साहब को बहुत फिक्र है हमारी। होनी भी चाहिए, वो आपके सलाहकार हैं, आपकी सुरक्षा तो उन्हीं का उत्तरदायित्व है। इसलिए उनकी बात को इज्जत देते हुए हमने अपने साथ ये 4 सिपाही रख लिए हैं। क्या हुआ जोधा बेगम? पता नहीं कुछ चुभ गया। लाइए हमें दिखाइए। नहीं चाचा, आप हमारे पैर मत छुइए। अब हमें हुक्म देने पर मजबूर क्यों करती हैं? हमारा हुक्म है कि आप हमें अपने पैर दिखाएंगे। कांटा भी निकल गया और दर्द भी नहीं हुआ। नहीं, वैसे आपको इस यतीम खाने के बारे में मालूमात कैसे हुई जोधा बेगम? हमने मोतीबाई से पता करवाया था। जानते हैं, यदि हमने इन अनाथ बच्चों के लिए कुछ किया तो इनकी शुभकामनाएं सदा हमारे बच्चों को सुरक्षित रखेंगी। नहीं, यहाँ आओ। जोधा बेगम और शहनशाह कहाँ हैं? जी वो यतीम खाने गए हैं। वो गए हैं तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो सब? तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, अंधेरा होने वाला है, पहले हमें शहनशाह के पास पहुँचना है। चलो। आप ठीक तो हैं जोधा बेगम? जी हम ठीक हैं, परंतु ये हुआ क्या? हम पर दुश्मनों ने हमला किया है जोधा बेगम। इसका अर्थ? इसका मतलब है कि हमारी जान खतरे में है। जाल मजबूत है ना? हाँ, ये भाग नहीं पाएंगे। क्या तुम जानते हो कि तुमने किस पर हमला किया है? इस गुस्ताखी की बहुत बड़ी सजा देंगे हम तुम्हें। हम शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद हैं। शहंशाह नहीं, कैदी हो इस वक्त हमारे। और रही बात सजा की, तो मरने के बाद आज तक किसी शहंशाह ने किसी को सजा नहीं सुनाई। ये बताओ, किसके कहने पर ये हमला किया है तुमने? किसके लिए काम कर रहे हो तुम? जवाब दो हमें।
रुको। क्या हुआ जनाब? गड़बड़ लगती है, किसी को खींच कर घसीट के लेके जाने के निशान है, यहां पर खून के दाग भी है। चारों ओर फैल जाओ। या अल्लाह, ये सिपाही तो शहंशाह के साथ था। दो सिपाही यहां भी है हुजूर। हुजूर, ये दो सिपाही हमारे हैं। शहंशाह के साथ में चार सिपाही थे, चौथा कहां है? ढूंढो उसे। कमरबंद के पास एक खंजर है, उसे निकालकर हमें दीजिए। आप सबसे आवश्यक बात सबसे अंत में क्यों बताते हैं? हम तो बस इस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब इनकी नजरें हम पर से हटे। हमें हमारा खंजर निकाल कर दीजिए। ये लीजिए शहंशाह। यहां से निकलते हैं। इतनी जल्दी क्या है जोधा बेगम? अब कहना क्या चाहते हैं? इतनी बड़ी संख्या में शत्रुओं से आप अकेला लड़ना चाहते हैं? ये स्थान ठीक नहीं है। चलिए यहां से, जल्दी चलिए। ठहरिए जोधा बेगम, अक्सर हमने आपको रियाज करते देखा है, आज देखना चाहेंगे कि जंग में आपकी शमशीर क्या कमाल दिखाती है। चुनौती दे रहे हैं शहंशाह, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। ठीक है, चलिए। आदाब मलिका आजम, क्या बात है, सब खैरियत? इतनी देर रात को आपने हमें याद फरमाया? बात ही कुछ ऐसी है महामंगा, जलाल और जोधा यतीम खाने गए थे और रास्ते से गायब है। साथ गए हुए सैनिकों की लाशें मिली है, मतलब साफ है किसी ने उन्हें अगवा कर लिया है। ये क्या कह रही हैं आप? वजीर आलिया, इस वक्त अग्गा साहब यहाँ मौजूद नहीं है, आप ही बताएं क्या किया जाए, कैसे हमारे जलाल को ढूंढा जाए। अब सब कुछ आपको ही करना है, इसे हमारी इल्तजा समझिए या मरियम मकानी का हुक्म। हमें आप हुक्म कर सकती हैं मलिका आजम, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। शहंशाह जल्दी आपके पास होंगे। मुख्तार बेगम ने तो कहा था कि लेप लगाने से हमारी खूबसूरती का रंग और निखरेगा, लेकिन इसका असर तो नजर आ ही नहीं रहा, थोड़ा और लगाते हैं। जाविदा, आदम खान कहाँ है? खामोश, तुम्हें देख नहीं रहा हम अपनी खूबसूरती निखार रहे हैं? हिमाकत के हमसे जबान दराजी करो गुस्ताख। अब
शुक्रे खुदा का, क्या बिल्कुल ठीक हो गई? क्या मतलब? अरे आपका असली चेहरा इतने दिनों बाद जो नजर आ रहा है, वही रोब, वही धकधकाती आंखें, जैसे किसी को भी जला के खाक कर देंगी। हम बहुत खुश हैं कि हमारी अम्मी जान हमें फिर से वापस मिल गई। अच्छा वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं, पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं या फिर पहले जैसे ही? जाविदा जाविदा, ये मजाक का वक्त नहीं है। हम आदम खान से कुछ संजीदा मसलत करना चाहते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि कहाँ हैं आदम खान, क्या मिली थी आप उनसे? जी नहीं, उनके पास वक्त ही कहाँ हमारे लिए। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आदम साहब मिले तो उन्हें बता दीजिएगा कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। वो लोग वही हैं। हम उन्हें देख सकते हैं जोधा बेगम। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? हमें लोगों से बचना है। लेकिन हमारा तरीका कुछ अलग है जोधा बेगम। हमारी नजरों में दुश्मनों से निजात तब पाई जा सकती है जब उन्हें खत्म कर दिया जाए, और फिर उन्होंने हमारी खास बेगम की शान में गुस्ताखी की है, और अगर बिना उन्हें सजा दिए हम यहाँ से चले गए तो हम कैसे शहंशाह? ये शमशीर को अपने पास रखिएगा और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। हम अभी आते हैं। इतने सारे आ गए, आप अकेले कैसे संभालेंगे? आप पर इतना तो यकीन है? बस दो बचे हैं जोधा बेगम, क्या ख्याल है? एक एक बांट लें। सोचते हैं इस बार हम भी थोड़ा सा कपट कर लें, क्यों ना दोनों को अपने ही खाते में डाल दें। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। शहंशाह आप फिक्र ना करें, फिक्र ना करें, देखिए हम दुरुस्त हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है शहंशाह। भले ही आप शहंशाह हैं, मगर हिफाजत के दायरे से बाहर आने का हक आपको भी नहीं है। आप समझते क्यों नहीं है? अगर आपको कुछ हो जाता तो सल्तनत का क्या होता? क्यों आप बार बार दुश्मनों को अपने पास आने का मौका देते हैं? अब बेवजह फिक्र कर रहे हैं अब फिक्र ना करें, हमारे साथ हमारी पूरी फौज थी। और फिर भी आपके सुकून के लिए हम आपसे वादा करते हैं कि आइंदा से हम आपकी हिफाजत के इंतजाम से बाहर नहीं जाएंगे। सिपाहियों तुम लोग शहंशाह और बेगम साहिबा को लेकर महल की ओर कूच करो। शहंशाह आप सिपाहियों के साथ में महल की ओर पहुंचे, हम उस हमलावर के पीछे जाते हैं जो हमला करके निकल गए हैं। शहंशाह आपको तो बहुत घाव लगे हैं। इतने घाव तो सिपाही को लगते रहते हैं जोधा बेगम, लेकिन मैं यकीन नहीं होता कि हमने आज तचुबा देखा वो वहां पे थी जो दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट कर गिर रही थी। चलिए अब बातें बंद कीजिए और आइए हमारे साथ। आदाब वज़ीर आलिया, आदम खान का कुछ पता चला? नहीं हुजूर, मगर हाँ सुनने में आया आज अल सुबह अपने घोड़े पर वो कहीं निकल गए थे। हुजूर अचानक आप इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हैं? रेशम खान,
शहंशाह पर हमला हुआ है। बस इसी बात से डर रहे हैं कि इस हमले के पीछे आदम खान का हाथ ना। खुदा करे आदम खान साहब ने ऐसा कुछ ना किया हो। शहंशाह को मालूम चले तो हाथ पांव कटवा देंगे आदम खान साहब के। हद में रह के बात करो। आदम खान हमारे बेटे हैं। हुजूर क्या हुआ, सब खत्म हो गए? नहीं हुजूर, जलाल और जोधा बेगम ने सबको मार डाला, सिर्फ मैं ही वहां से भागकर यहां आया हूं। सबको मार डाला तो तुम जिंदा वापस क्यों आए? देखो क्या है। हाँ चलो। इसे किसने मारा? ये वही है जो वहां से भागकर यहां आया था। मगर हुजूर इसे किसने मारा? उसी ने जिसके लिए ये काम करता था। अपने आका को खबर देने के लिए आया होगा। कोई सबूत ना छूटे इसके लिए, इसके आका ने ही इसका कत्ल कर दिया। खून अभी गर्म है, वो यहीं कहीं आसपास होगा। जाओ सब जगह उसे ढूंढो, फैल जाओ चारों ओर। यहाँ पे कोई नहीं है। शांति से बैठी है यहाँ। लेकिन आप हमें यहाँ क्यों बिठा रही? क्योंकि आपको बहुत गहरे घाव लगे हैं और हमें आपकी चिकित्सा करनी है। और आप बोलते रहेंगे तो हमारा ध्यान भटकेगा। आप यहीं बैठिए, हम आते हैं। तो आपको भी लगे हैं जोधा बेगम, हाथ दिख रही। आपको समझना बहुत मुश्किल है जोधा बेगम। एक बार आपने हमारी नरदान में से बारूद निकालकर हमारी जान को खतरे में डाल दिया था और आज हमारी जान बचाने के लिए हमारे सामने हमारी ढाल की तरह खड़ी हो गई। उस समय भी हमने निरपराध को बचाने के लिए वैसा किया था और इस समय आपकी रक्षा करने के लिए ऐसा किया। या खुदा, ये क्या हाल बना रखा है? कुछ नहीं अम्मी जान, कुछ बेवकूफ ने हम पर हमला करने की कोशिश की और मारे गए। हम तो परेशान हो गए थे। और ये क्या हुआ जोधा, तुम तो जख्मी हो। सलीमा बेगम, फौरन शाही हकीम को बुलाया जाए। अम्मी जान, अगर आपको फिक्र करनी है तो जोधा बेगम की नहीं, हमारी कीजिए। हम कुछ समझे नहीं। समझने के लिए आपको वहाँ होना चाहिए था मलिका आजम। जोधा बेगम कमाल की सिपाही है।
क्या ये सच है जोधा बेगम? बेशक अम्मी जान, हम आज तक तो इनकी तीरंदाजी के हुनर से वाकिफ रखते थे, लेकिन तीर हो या शमशीर, जोधा बेगम के आगे सब बेकार है। ये अपनी शमशीर हवा से भी तेज चलाती हैं। इन्होंने 20 दुश्मनों को कुछ ही पलों में ढेर कर दिया था। वो सोच रहे होंगे कि जलालुद्दीन अपने साथ किस बला को ले आए। खुदा का शुक्र है आप सही सलामत हैं। अम्मी जान, हमारा बुरा चाहने वालों से ज्यादा हमारे खैर ख्वाह हैं, जिनकी दुआ हमेशा हमारे साथ है। अब फिक्र मत करिए, जोधा बेगम हमारे साथ थी, उनकी रहमो करम से हम सही सलामत हैं। हम गुसल के बाद सबसे मुखातिब होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत आ गए जलाल। तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर तुम किसी के हाथों फना होगे तो वो मैं हूं। मैं, तुम मेरे शिकार हो, मेरे। तुम्हें और तुम्हारी हर अजीज चीज को मैं बर्बाद करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं वो हर चीज तुमसे हासिल करूंगी जो मेरे हक में है।